हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, जो कि क्या है, पी ब्लॉक पर है। और पी ब्लॉक पर हम आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के लो लेवल से लेकर हाई लेवल कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर विथ, किसके सिमिलर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें आपको डाइबोरेन है, टेट्राबोरोकार्बाइड है, ये बोरान है, बोरान नाइट्राइड है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें अगर आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो बोरान नाइट्राइड होता है, ये भी क्या होता है, हेक्सागोनल प्लेनरशीट स्ट्रक्चर्स होता है। हेक्सागोनल प्लेनरशीट स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, बोरान नाइट्रोजन, बोरान नाइट्रोजन, बोरान नाइट्रोजन होते हैं। और नाइट्रोजन भी sp2 में होता है, बोरान भी sp2 में होता है, ये भी हेक्सागोनल प्लेनरशीट में होते हैं, जो कि ग्रेफाइट भी होता है। तो इसलिए इस बोरान नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा, वह आंसर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। तो हम अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कहना चाहता है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ लेविस एसिड। मतलब आपको यहाँ पर बोरान की हाईलाइट दिए गए, डिफरेंट हाईलाइट दिए गए, एसिडिटी पूछा जा रहा है, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सभी हाईलाइट जो दिख रहे हैं आपको, तो मैं जनरली आपको बताना चाहूँगा। चलो मालूम हाईलाइट के लिए बात करते हैं, बोरान ट्राई हाईलाइट के लिए बात कर रहा हूँ। ये यक्स है, ये यक्स होते हैं, ये भी यक्स होते हैं, ये भी यक्स होते हैं। हम प्रश्न कर रहे हैं BX3 के लिए बात कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ बोरान ट्राई हैलाइड जो हमारा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मॉलिक्यूल होता है। दैट इज में कितने इलेक्ट्रॉन था, 6 होते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक्सेप्टर का काम करता है। इसका मतलब लेविस एसिड होता है, ये लेविस एसिड है। लेकिन ये लेविस एसिड है तो ठीक है, तो है, लेकिन इसमें एसिडिटी किसमें ज़्यादा होगी, कि अगर ये यक्स हमारा फ्लोरीन होगा तब ज़्यादा होगी, एक हमारा क्लोरीन होगा तब ज़्यादा होगी, एक हमारा ब्रोमीन होगा तब ज़्यादा होगी, यही हमें चेक करना है। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो बोरान होता है, उसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट 2pz ऑर्बिटल होता है, जो कि खाली पड़ा होता है। और जो हैलोजन होते हैं सबके पास लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं। और ये 3-3 लोन पेयर जो होते हैं, ये क्या कर जाते हैं कि बोरान को भूखा देखकर बोरान की तरफ क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। मतलब वहाँ पर हो क्या जाता है कि ये जो हैलोजन होता है, यक्स जो होता है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, 2pz को क्या करता है, डोनेट करता है। और बोरान क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे बनता क्या है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बनता है। और जो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये पी ऑर्बिटल होता है। अब ये पी ऑर्बिटल होगा, सिचुएशन ये होती है, अगर ये फ्लोरीन होगा तो उसका 2p होगा, अगर क्लोरीन होगा 3p होगा, अगर ब्रोमीन होगा तो 4p होगा। अब सिचुएशन ये डिपेंड करती है, अगर इसको लोन पेयर मिलता है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी पी ऑर्बिटल होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग बनती है, जिसको p pi बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब p pi बैक बॉन्डिंग होने से इसको 6 क्या हो जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, 8 हो जाएगा, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, वह दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना कम पसंद करेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना कम पसंद करेगा, तो इसकी लेविस एसिड करेक्टर घट जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ये क्रिएट की जाती है कि 2p जो होता है पास होता है, किसके पास होता है, 2p x का पास होगा, दैट इज फ्लोरीन वाला 2p क्या होता है, पास होता है, जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके p pi बॉन्ड बना सकता है, जिससे क्या होगा, वो लोन पेयर बाहर वाला जो लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी होती है वो घटती जाएगी। मतलब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटेगी। तो वो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ाएगा, वो कौन सा x होगा जो बढ़ाएगा, वह होगा f का कौन होगा, 2p होगा, क्योंकि 2p का डिस्टेंस कम होता है, वो इजीली बॉन्डिंग कर लेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ा देगा, जिससे ये एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब जब एक्सेप्टेबिलिटी घटेगी, तो बताओ
घटेगी तो बताओ लेविस एसिड करेक्टर घट जाएगा, तो बताओ सबसे कम एक्सेप्टेबिलिटी कौन लाएगा, जब यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो वो डोनेट कर देगा जिससे यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से एक्सेप्टेबिलिटी घट जाएगी। तो जिसमें पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वह लेविस एसिड करेक्टर को घटा देगा, तो बताओ कौन ज़्यादा करेगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा 2p में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, किससे 3p से 3p की ज़्यादा होगी किससे 4p से होगी, इसका मतलब फ्लोरीन ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा किससे क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा करेगा ब्रोमीन से, और जिसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी और उसमें एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, तो कौन सबसे कम देगा 4p कब से कम इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो शो किया जाएगा वो कौन करेगा, वह ब्रोमीन करेगा, ब्रोमीन करेगा तो क्लोरीन करेगा तो क्या करेगा क्लोरीन करेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यस यस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द आयन पेयर, मतलब सल्फर सल्फर के बीच आपको डिफरेंट ऑक्सी एसिड दिए गए हैं, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड किस पेयर में प्रेजेंट है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड किस पेयर में प्रेजेंट, सबसे पहले आप क्लियर करें कि आपको लिखा गया है H2O7 2-, तो H2O7 2- का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ऑक्सी एसिड में दो हाइड्रोजन लॉस हुए हैं, अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं H2O7 लिख सकते हैं, और अगर इसको देखा जाए इसमें भी दो हाइड्रोजन लॉस हुए हैं, इसको क्या लिख सकते बताओ, इसको भी लिख सकते हैं H2O3 लिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसका नाम होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होते हैं, दो सल्फर होते हैं एक वाटर के, मतलब दो मालिकूल जो सल्फ्यूरिक एसिड से होते हैं वहाँ से एक वाटर मालिकूल रिलीज होता है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये बॉन्ड आपको दिखेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, अगर आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को देख पा रहे हैं तो आप इसमें खुद देखें इस स्ट्रक्चर्स में क्या कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड है, नहीं है, लेकिन थायो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये वाला जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर होता क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो हमारा होता है ये ऑक्सी एसिड में ये वाला बॉन्ड तो फिक्स होता है, ये OH होता है, यहीं पे क्या होता है एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कौन आ जाता है सल्फर आ जाता है, तो मतलब यहाँ पर एक सल्फर आ जाता है और सल्फर आ जाने से इसका नाम होता है थायो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, बताओ इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब एक में प्रेजेंट एक प्रेजेंट नहीं है। दूसरा प्रश्न कहता है कि H4O6 H2O7 2-, तो H2O7 में प्रेजेंट नहीं है, तो भैया जब इसमें प्रेजेंट नहीं तो पेयर तो सही होगा नहीं, अगर इसमें होगा भी तभी तो नहीं में होगा। अब दूसरा देखते हैं H2O7 H2O8A, अब ये वाला तो हम देखें इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है तो अगले वाले में अगर प्रेजेंट भी होगा तभी तो पेयर सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं डी, देखते हैं कि इसमें तो प्रेजेंट है, अब इसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है ये हमें आना चाहिए, तो H4O6 2- H2O8 2- का हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, हम इसको चेक कर सकते हैं, तो H4O6 2- जो होता है टेट्राथायोनिक एसिड होता है, क्या होता है टेट्राथायोनिक एसिड होता है, अगर जिसका स्ट्रक्चर हम देखें इसको हम लिख सकते हैं H2O6 2- को लिख सकते हैं, और जिसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें ये सल्फर्स होता है, चार सल्फर्स होंगे और जिसमें दो सल्फर में क्या होगा इस टाइप के बॉन्ड्स होंगे OH होगा, और ये भी क्या होता है डबल बॉन्ड हो और ये क्या होता है OH होता है जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड पाया जा रहा है, मतलब इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड पाया जा रहा है और इसमें भी सल्फर सल्फर बॉन्ड पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसका तो ये पेयर राइट है, प्रश्न ये बना है क्वेश्चन तो हमारा यही सही हो जाएगा। अगर हम H2O8 2- को भी अगर देखना चाहें जिसमें होता क्या है कि डाइपराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइपराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब समझ सकते हैं, डाइपराक्सी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब होता है ये सल्फर होता है, इसके बीच क्या होते हैं पराक्साइड बॉन्ड होते हैं और ये आपका इस सिचुएशन में होता है, इसको आप देखें तो ये आपका ये बॉन्ड होता है, क्या इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है, क्या इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वह यही होगा टेट्राथायोनिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड होगा जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। इस क्वेश्चन का विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको चेक करनी है इसमें किसकी सबसे ज़्यादा और किसकी कम होगी, तो अगर हम देखें फ्लोरिन फ्लोरिन क्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन ब्रोमिन और आयोडिन आयोडिन, क्योंकि मैं पता है ये किसके बीच बॉन्ड बना है 2p 2p के बीच बना है, ये किसके बीच बना 3p 3p के बीच बना है,
बोलो ये किसके बीच बताओ, 4P 4P के बीच बना है, और ये किसके बीच बना हुआ, 5P और 5P के बीच बना है। अब हमें एक प्रश्न जरूर याद होगा कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड कमजोर होता है, तो इसमें आसानी से कौन टूटेगा, इसमें सबसे आसानी से आयोडीन टूटेगा, सबसे कम एनर्जी से टूटेगा आयोडीन टूटेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नहीं बता, इसका मतलब अगर टॉप टू बॉटम चले डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं, मतलब एक सिंपल फंडा समय करता है। लेकिन इसमें अगर ऐसा देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा कम एनर्जी कौन कर रहा है, आयोडीन, तो बताओ ऑर्डर में क्या होना चाहिए, एफ टू का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर किसका, ब्रोमीन का, किसका, आयोडीन का होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हर हैलोजन पर तीन तीन लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर अगर देखा जाए सबके पास लोन पेयर होते हैं, बस प्रश्न ये होता है कि फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर होते हैं बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, और स्मॉल साइज में होने से लोन पेयर के बीच क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है, और ये रिपल्सन होने से क्या होता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन और आसान हो जाता है। तो जहाँ फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे हाई होना चाहिए था, वह डिसोसिएशन लोन पेयर रिपल्सन क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, और ये क्लोरीन से कमजोर पड़ जाता है, मतलब और आसानी से टूट जाता है। तो ऑर्डर जो होता है, ऑब्जर्व जो ऑर्डर होता है, वह हमें मिलता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। उसका रीजन होता है जो फ्लोरीन होता है, उस फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन का कारण होता है। तो ये जो हमारा ऑब्जर्व ऑर्डर होगा वो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, Cl2Br2F2I2। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। एफ टू का क्यों कम हो गया, वह लोन पेयर रिपल्सन स्मॉल साइज के कारण हुआ है। गजब का क्वेश्चन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट फॉर ज़ीनान टेट्राऑक्साइड, ज़ीनान टेट्राऑक्साइड में क्या होता है, अगर हम लोग इसका हाइड्रोजन चेक कर लें तो ज़ीनान टेट्राऑक्साइड में और ज़ीनान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और ये मोनोपेयर नहीं है, बाईबैलेंट है, 0 होगा बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला था वी प्लस एम बाई 2 होता है, वी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यह मतलब मोनोवैलेंट एटम, लेकिन ऑक्सीजन तो बाईबैलेंट होता है, उसकी बैलेंस ही 2 होती है, तो ऐसे स्टेटमेंट 0 कर देंगे। कितना आ गया बताओ, 4 आ गया, 4 मतलब क्या हो गया, sp3 हुआ, और हमें पता है कि sp3 होता है तो एक sp3 क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो बताओ ज़ीनान कितने सिग्मा बनाएगा, 4 सिग्मा बनाएगा, कितने ऑक्सीजन बताओ, 4, तो सबसे पहले जो बाईवैलेंट ऑक्सीजन था पहले क्या बनाता है, सबके साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और किस में चला जाता है, टेट्राहेड्रन चला जाता है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है, जो ज़ीनान होता है और जो ऑक्सीजन होता है, ये एक दूसरे क्या कहता है, ज़ीनान और ऑक्सीजन में क्या होता है, इसका पी आर्बिटल 2p ऑर्बिटल, और इसका आप देखेंगे कि ज़ीनान का जो होता है, जो ऑर्बिटल्स होता है उसका d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल, ज़ीनान का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। बताओ ऐसे कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, तो 4 हमें क्या मिलेंगे बताओ, d पाई p पाई बॉन्ड भी मिलेंगे, और 4 हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, sp3 के p के बीच बॉन्ड बनेगा, जिसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट द इनकरेक्ट। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, इट है टेट्राहेड्रल शेप, अरे भाई sp3 में टेट्राहेड्रल में है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, और हमारा जो इनकरेक्ट आंसर है क्या, इट है स्क्वायर प्लेन शेप, नो, ये हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, P4O10 हैज ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम, P4O8 मतलब फास्फोरस के जो ऑक्साइड हैं, ये फास्फोरस के ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको बस इतना ध्यान देना है कि ब्रिज ऑक्सीजन आपको बताने का बहुत सिंपल तरीका है, आप पोप बॉन्ड ढूंढे, मतलब ऑक्सीजन क्या हो, दो फास्फोरस जुड़ा है, अगर एक ऑक्सीजन दो फास्फोरस जुड़ा हो तो उसी ऑक्सीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिज ऑक्सीजन कहते हैं, और इस मिला के तीनों क्या कर देता है, पोप बॉन्ड, जितने पोप बॉन्ड होंगे उतने ऑक्सीजन ब्रिजिंग में आएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका होता है, फास्फोरस बैलेंस कितनी होती है, 5 भी होती है, 3 भी होती है, लेकिन इस सिचुएशन में इस ऑक्साइड में वो sp3 में रहता है, जिसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, बहुत कमाल का स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे, इसमें बस ये करिए आप, 4 फास्फोरस को लिखो, 4 फास्फोरस को पहले लिख लो, टेट्राहेड्रल आपको जिसे लग रहे हो, अब सभी क्या कर दो, सभी को पोप बना दो, क्या बना दो, पोप बना दो, और जब सभी को पोप बना दोगे तो ये क्या है, देखो पोप बॉन्ड हो गए, ये पोप हो गए, कितने ऑक्सीजन हमने यूज़ किया, 4, और सभी को जब हमने पोप बना दिया, उसके बाद देखो इसके बीच कोई पोप नहीं दिखा, सब तरफ पोप दिखना चाहिए, हमने इसको भी पोप बना दिया, तो बताओ कितने पोप दिख रहे हैं,
आपको इस समय पुप दिख रहे हैं, तो आप बैलेंस ही कितनी दिख रही है, 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, 4 ऑक्सीजन बच रहे होंगे, सबके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, सबके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, और बैलेंस ही आप देखेंगे हर आपका हर फास्फोरस की बैलेंस ही 5 हो जाएगी, और हमें बस इतना देखना है कितने हमारे पास POP हैं, दैट इज पोप हैं, पोप में ओ कितने हैं, तो पोप में ओ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 है, तो जो हमारा आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लोरीन डिफर फ्रॉम द रेस्ट हैलोजन सम इट्स प्रॉपर्टी दिस इज ड्यू टू, मतलब जो फ्लोरीन होता है डिफर होता है रेस्ट हैलोजन से, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से क्यों डिफर होता है, तो इसके सिचुएशन समझ लो कि फ्लोरीन आप सभी जानते होंगे फ्लोरीन क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट 2p में होता है, 2p5 होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिट्री क्या होती है, 4 होती है, और इसमें d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, तो बताओ इट इज स्मॉल साइज, अरे सही बात है, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है, फिर क्या होती है क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है, फिर क्या होती है आयोडीन होती है, क्योंकि मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने की साइज क्या होती है बढ़ती है, ये तो स्टेटमेंट सही है कि स्मॉल साइज होता है हाई इलेक्ट्रोनिटी, यस इलेक्ट्रोनिटी 4 होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर किसकी क्लोरीन की 3 होती है, फिर 2.8 होती है, फिर 2.5 होती है, ये तो स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अरे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो तो होती है, फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसका कमाल होता है स्मॉल साइज का होना और लोन पेयर का रिपल्सन होना, इसकी क्या करता है डिसोसिएशन एनर्जी को घटा देता है, बढ़ाने की बजाय घट, क्योंकि साइज छोटी है तो डिसोसिएशन जल्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका इफेक्ट कौन होता है, लोन पेयर इसको तोड़ देता है, इसका मतलब ये भी राइट होगा, और ऑप्शन करा ऑल ऑफ दिस, इसका सभी सही है, यस सभी सही है, तो आंसर क्या माना जाएगा, ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड, क्लोरीन की ऑक्सी एसिड की आपसे पूछा गया जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो भैया किसी भी ऑक्सी एसिड की अगर एसिडिटी आपको चेक करनी है तो हमारा एक फंडा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें ज़्यादा होगा मतलब एसिडिटी जो होती है एसिडिक करेक्टर जो होता है प्रपोर्शनल किसकी होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि इसको हम चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, किसका किसका निकालते हैं, HClO का, HClO2 का, HClO3 का और HClO4 का। मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है +1, -2 + 1 कितना हुआ -1, -1 का अपोजिट करना, ओवरऑल माइनस जो जो वैल्यू है उसका अपोजिट बोलना है, तो ये -2 है ये क्या है +1, ये तो कैंसिल हो गया, -1 का अपोजिट क्या होगा +1 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 2 × 4 -4 होगा, ये क्या होगा +1 होगा, कैंसिल और प्लस -3 बचेगा, और -3 का अपोजिट बोलना होगा ये +3 हो जाएगा, आप बताओ क्या 3 × 6 -6 होगा, ये +1 -6 कैंसिल करके कितना -5 जो ओवरऑल बचेगा वह उसका अपोजिट बोलो तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा 4 × 8 -8 है, ये हाइड्रोजन का +1 होता है, -7 बच रहा है रिजल्ट में, उसका अपोजिट बोल दो +7, तो बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन किसका है +7 का है, तो +7 कौन है, ये +7 में है, ये +5 में है, ये +3 में है, ये +1 में है, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा तो एसिड करेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये पर क्लोरिक एसिड का सबसे ज़्यादा निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलोजन एसिड, देखो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हमेशा रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट जो बोलो, ये किसके इक्वल होता है ऑक्सीडेशन की, जिसका ऑक्सीडेशन बढ़ेगा उसमें रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है किसके इक्वल होता है रिडक्शन की, ये हमेशा ध्यान दे, सिंपल मेरा फंडा है, तो यहाँ पर ध्यान दो ये होता है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है रिडक्शन की, अगर रिडक्शन मतलब आप खुद समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर ये एबिलिटी जिसमें होगी वो क्या होगा उसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन ब्रोमाइड में
और हाइड्रोजन आयोडाइड में कौन हाइड्रोजन को इजीली लॉस करेगा, जो बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा उसमें रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। तो बताओ कौन जल्दी हाइड्रोजन को लॉस करेगा, जो हाइड्रोजन को इजीली लॉस करेगा उसमें ऑक्सीडेशन इजीली होगा और उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। तो बताओ रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो हाइड्रोजन को इजीली लॉस करेगा वो हाइड्रोजन को ही करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबसे कम कौन करेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बताओ इसमें पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा या चाहिए का, ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेड फास्फोरस इज केमिकली लेस रिएक्टिव बिकॉज, जो रेड फास्फोरस होता है वह केमिकली लेस रिएक्टिव क्यों होता है। रेड फास्फोरस का केमिकली लेस रिएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि जो पी फोर होता है ये वाइट भी होता है, ये रेड भी होता है और ब्लैक होता है। जो वाइट होता है वो तो क्या करता है, ये इस प्रकार से बन जाता है, ये इस प्रकार के बॉन्ड में रहता है, और सबके पास एक एक लोन पेयर होता है, सबके पास एक वाइट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो रेड होता है वह रेड जो होता है पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहने का मतलब ये फास्फोरस 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 ये फास्फोरस चारों रहेंगे, लेकिन ये क्या करता है निस्फिस फास्फोरस ये पॉलीमर, मतलब ये रुकने वाला नहीं, फास्फोरस फास्फोरस ये बनता रहता है, मतलब फास्फोरस अपने को फास्फोरस में ही कंबाइन करके रखता है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता फॉर अदर एटम से बॉन्डिंग करने के लिए, मतलब ये हमेशा फास्फोरस फास्फोरस पॉलीमेरिक होता है। लेकिन ये तो भैया फिक्स है, ये तो ये मोनोमर में ही प्रेजेंट है अगर देखा जाए, लेकिन ये पॉलीमर में होता है, और पॉलीमर में होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते ये बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करता, मतलब लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होना पसंद नहीं करता। तो चलो चेक करते हैं क्या रीजन होता है कि ये क्यों लेस रिएक्टिव होता है, इट डज नॉट कंटेन पीपी बॉन्ड। अरे भाई पीपी बॉन्ड तो है, ऐसी बात थोड़ी है, पीपी बॉन्ड नहीं, इट डज नॉट कंटेन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, इट डज नॉट कैच फायर इन एयर, मतलब ये सब कह रहा है लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इट हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका डी ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन कंटेन, डाइबोरिन क्या है, अरे भाई डाइबोरिन जो होता है वो B2S6 होता है, और जिसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें दो बोरान होते हैं, और इच बोरान क्या करते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं, हाइड्रोजन साथ बनाते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी क्या करता है जिसे हम टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, और दो हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो कि दो बोरान से जुड़े होते हैं, इसे हम लोग ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं, और इसमें क्या होता है एक हाइड्रोजन, ये बताओ तीन सेंटर मिल रहे हैं, और इस तीन सेंटर में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन को हम ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं, और दो सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, दो इधर हैं, दो इधर, दो दो चार हो गए, इसका मतलब टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले हमें कितने मिल गए, चार मिल गए, और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले हमें कितने मिल गए, दो मिल गए, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले हमें कितने मिल गए, दो मिल गए, इसे ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। इसमें आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर होगा फोर टू सी थ्री, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा, ऑप्शन हमारा ई राइट हो जाएगा। इन द कंपाउंड टाइप ऑफ ACl3 वेयर इज इक्वल टू बी, मतलब बोरान फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ, द एंगल फॉर डिफरेंट ए आर आयन ऑर्डर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो ये लिखा गया है ACl3 जो लिखा गया है इसमें ई को अलग अलग नाम दिया गया, एक बार बोरान दिया गया है, फिर एक बार ई को क्या नाम दिया गया है फास्फोरस दिया गया है, फिर क्या दिया गया है ई को नाम दिया गया है आर्सेनिक दिया गया है, और ई को नाम दिया गया है बिस्मथ दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अगर हमारा ये BCl3 होगा, इसको अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा BCl3 होगा, अगर हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा PCl3 होगा, अगर इसको लिखे तो क्या हो जाएगा ए आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड होगा, और ये बिस्मथ ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। तो बताओ BCl2 को अगर हम देखें तो ये SP2 में जाएगा, लेकिन ये PCl3 ये सभी में क्या होता है एक एक लोन पेयर होते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंसी फाइव होती है, बोलो फाइव होती है, तो पांच होते हैं, पांच ये किस में जाएगा एक लोन पेयर थ्री बॉन्ड पेयर, बोलो एक लोन पेयर थ्री बॉन्ड पेयर, लेकिन इसके साथ केवल क्या है थ्री बॉन्ड पेयर है, तो ये सभी SP3 में है, सभी SP3 में है, लेकिन एक लोन पेयर होने के कारण इसका एंगल 190-28 में नहीं होगा, लेकिन इसमें सभी बॉन्ड पेयर SP2 में इसका एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो बताओ BCl3 का तो एंगल सबसे ज़्यादा होने वाला इन तीनों में से, अब इन तीनों में किसका एंगल ज़्यादा है किसका कम है ये चेक करना है। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी घटती है,
अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिटी घटती है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है, ये फंडा है, तो फास्फोरस आर्सेनिक आप इसमें तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनिटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिटिविटी घट जाएगी, तो बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा, जिसका मतलब इस तीनों में PCl3 का एंगल सबसे बड़ा होगा, फिर किसका होगा AcL3 का, फिर बिस्मथ क्लोराइड का होगा, लेकिन सबसे बड़ा किसका होगा 120 का होगा, ये तो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, उससे लेस होगा। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें एक एक लोन पेयर है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो तो गजब का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनरल द बोरॉन ट्राई हैलाइड एक्ट एज, बोरॉन ट्राई हैलाइड क्या काम करते हैं, अरे भाई बोरॉन ट्राई हैलाइड मतलब BX3 क्या काम करते हैं, BX3 आप खुद समझ सकते हैं कि BX3 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मालिकुल्स होते हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले मालिकुल हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले जिस इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाले को मालिकुल्स को हम क्या नाम देते हैं, लेविस एसिड, तो हमारा लेविस एसिड ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड इन द फॉलोइंग, आपको बताना इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, तो ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन क्लोरीन के हैं और सल्फर के हैं, तो बता इसमें जो अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा उसकी एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये कैपर क्लोरिक एसिड में हमें पता है कि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कितना होता है, +7 होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है, इसमें कितना होता है +5, अब ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है +6, अब यह आपका क्लोरिक एसिड कितना होता है +5 होता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट में कौन होता है, परक्लोरिक एसिड होता है। तो आपसे पूछा विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड इन द फॉलोइंग, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा जिसका ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ई होगा, जिसका नाम है परक्लोरिक एसिड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पार्शियली हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड जो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे, पार्शियली मतलब इसको हम एक मोल वाटर देंगे, जब एक मोल वाटर देते हैं तो पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है और जिनान ऑक्सी फ्लोराइड में कन्वर्ट कर जाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देता है या 2 मोल बना देता है। ये आपका आंसर हो जाएगा जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जो कि ऑप्शन आपका बी क्या होगा, राइट होगा। पार्शियली का मतलब होता है एक मोल के रिस्पेक्ट में इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन तेज हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो रिडक्शन करता हो मतलब इलेक्ट्रॉन को गैन करता हो, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा गैन करेगा उसमें रिडक्शन उतना ज़्यादा होगा, अब उसको दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, अगर वो गैन करेगा दूसरे को लॉस करवाएगा, तो जो रिडक्शन होता है वो क्या नाम से जाना जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम जाना जाता है। तो हमें पता है हैलोजन फैमिली में सबसे स्मॉल साइज का होता है फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये क्या बना देता है, फ्लोराइड में जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसका होता है, और ग्रुप में चलने पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्या होता है, आयोडीन का होता है। तो ऑप्शन में ज़्यादा कौन पाया जाएगा, फ्लोरीन पाया जाएगा। इस क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, तो फास्फोरस नेचर में किसमें एग्जिस्ट होता है, P4 में होता है, अब P4 में जो एग्जिस्ट होता है एटॉमिसिटी में तो होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो फास्फोरस जो होता है P4 एक एलोट्रॉप्स होता है, वो चाहे ब्लैक हो, व्हाइट हो, रेड हो, जो भी हो, तो बताओ इस P4 में कितने एटम आपको दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, क्योंकि 4 पी एटम्स होते हैं, तो एटॉमिसिटी इसकी क्या होगी, 4 होगी। अगर हम O3 की बात करें कितनी होगी, 3 होगी, अगर H2 की बात करें कितनी होगी, 2 होगी, इसी बोलते हैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो P4 कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 4 होंगे। तो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेट्राबेसिक एसिड, मतलब इसमें से कौन सा टेट्राबेसिक एसिड होता है, तो बताओ ऑक्सी एसिड में उसको हम बेसिक नाम देते हैं जिसमें OS हो, जितने नंबर ऑफ OS होंगे उतना उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा ऑक्सी एसिड में। तो ऑक्सी एसिड में अगर हम देखें तो यहाँ पर पाइरोफास्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर मैं प्रश्न करूँ, जो पाइरोफास्फोरिक एसिड होता है और ऑर्थोफास्फोरिक एसिड का मतलब खुद समझ लो, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, S3 PO4 होता है, और जिसको अगर हम लोग फार्मूले में बताएं तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये OH होता है, ये OH होता है, और ये OH, क्योंकि फास्फोरस वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरिक एसिड कहते हैं। लेकिन जब 2 मोल इसमें से अगर बताओ इसमें कितने बेसिसिटी है,
ये तीन है, लेकिन जब इसका पायरो बनाते हैं, इसके दो मोल में से एक वाटर निकाल देते हैं, तो क्या बनता है? पायरोफास्फोरिक एसिड बन जाता है, जिसमें फास्फोरस फास्फोरस के बीच में क्या होता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है, ये डबल बॉन्ड आपका होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे OH भी होता है, यहाँ पर क्या होता है OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा, ये भी क्या होगा OH होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। तो ये ध्यान दें, इसका नाम होता है पायरो फास्फोरिक एसिड होता है, और जिसमें OH कितने दिखते हैं, दो दो चार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16 आर। तो जो हाइड्राइड होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। किस पर करते हैं भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर करते हैं और वान डर वाल फोर्स पर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वान डर वाल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बताओ, अगर 16 ग्रुप में अगर हम चलेंगे, ऑक्सीजन सल्फर सेलूरियम टेलूरियम अगर चले हम लोग, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा। अब जब वान डर वाल फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाती है, जब वान डर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका तो ग्रुप में चलने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करनी चाहिए, कन्फर्म इंक्रीज करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, टेलूरियम हाइड्राइड की होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जो इसमें H2O होता है, ये H2O जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद वाले सभी हाइड्राइड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं रिप्रेजेंट करते, वान डर वाल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर डोमिनेंट हो जाता है वान डर वाल फोर्स पर हो जाता है। तो वन में तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम कर रहा है, लेकिन सब पर वान डर वाल फोर्स काम करेगा। टॉप टू बॉटम के लिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा। बताओ किसका सबसे ज़्यादा वान डर वाल फोर्स होगा, टेलूरियम हाइड्राइड का। और जब वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो हमें पता है वान डर वाल फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। तो बताओ ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा H2O का होगा, फिर किसका, टेलूरियम का हाइड्राइड का होगा, फिर सेलूरियम का होगा, फिर सल्फर का होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा, ये आप बता सकते हैं इसमें कौन सा राइट होने वाला है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, ये किसके कारण, तीनों में बताओ, वान डर वाल फोर्स के कारण होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वान डर वाल फोर्स किसमें, इसमें है, फिर इसमें है। तो